हेलो लवलीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रिव्यू जो कि होने वाला है एक होम प्रोडक्ट। जी हाँ, ये कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, ये एक होम गैजेट है, होम प्रोडक्ट है जो कि हर वुमेन की लाइफ को बहुत इजी एंड बहुत सिंपल कर देने वाली है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एक मॉपिंग प्रोडक्ट की, जो कि है ये स्क्रैच क्लीनिंग मॉप। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्मार्ट प्रोडक्ट की, जो कि आपको मॉपिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जिनके कमर में प्रॉब्लम है या जो मॉपिंग करने के लिए मेड्स लगवाते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज, वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था 899 का। आज मुझे रिसीव हुआ है, अमेजोन से परचेज किया था 899 का। मैंने इसे ओपन कर लिया है, इसे एक बार यूज कर लिया है। यूज इसीलिए किया है ताकि मैं आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता पाऊं, प्रोस कॉन्स दोनों बता पाऊं, क्वालिटी बता पाऊं, इसके बारे में स्टडी है कि नहीं है, इसकी प्लास्टिक कैसी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो इसलिए मैंने इसे आज यूज करके देखा और आज करने वाली हूं मैं ए से लेकर जेड तक सब चीज का खुलासा इस टूल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि मुझे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव हुआ 899 का। मैंने इसे आज से 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था, मुझे आज रिसीव हो गया। लेकिन अगर आज का रिसेंट हम इसमें प्राइस की बात करेंगे तो 999 का है, तो यानी अप एंड डाउन इसका प्राइस चलता रहता है। ऑब्वियस ही बात है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छी सेल्स भी लगती है, आप इसे मीशो से भी परचेज कर सकते हैं। बट मैंने इसे मीशो से परचेज नहीं किया, मीशो पे ये और कम का भी था, बट मैंने इसे परचेज नहीं, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी उसकी क्वालिटी को लेकर और मैं थोड़ा अनश्योर थी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसे अमेजोन से परचेज करना सही समझा। मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया, जब मैंने इसे परचेज किया था तो ये पोकारो कंपनी का था, बट ये मेरे को रिसीव हुआ स्क्रैच का। एज यू कैन सी यहाँ पे स्क्रैच मेंशन है। ये बेसिकली एक मॉपिंग टूल है जो वुमेन्स बैक पेन की वजह से या सी सेक्शन की वजह से, जिनको बैक पेन होता है वो मॉपिंग नहीं कर सकते, या किसी भी और फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो मॉपिंग नहीं कर सकते, उनको मॉपिंग हार्ड लगती है, उनके लिए टूल बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो इतना बड़ा वाइपर, आप ये कुछ इतने छोटे बॉक्स में आया है, जो कि समथिंग मेरे टू हैंड्स जितना इसका साइज है। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। मैंने ये मंगवाया था पोकारो कंपनी का, बट मेरे को रिसीव हुआ स्क्रैच कंपनी का। आई डोंट नो ये क्यों हुआ, बट मैंने प्रोडक्ट ओपन कर चुकी थी, मैंने बाद में ध्यान दिया कि कंपनी चेंज है यहाँ पे, तो मैं श्योर करने वाली थी कि ये प्रोडक्ट सही होना चाहिए, अदरवाइज मैं इसे रिटर्न डाल दूंगी, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट रॉन्ग मिला है, रॉन्ग कंपनी का मिला है, मतलब क्वालिटी वो नहीं आएगी। तो मैं पूरी चीज से इसे सहमत होना चाहती थी। अब मैंने इसे ओपन करा, यूज किया, तो इसके संग हमें क्या क्या मिलता है मैं आपको एक क्लिप शेयर कर रही हूँ। जब ये आया था तो इसको मेरे हस्बैंड ने अनबॉक्स किया, इसके संग क्या क्या चीज आई थी, कैसे कैसे आई थी, पैकेजिंग कैसी आई थी, इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स के बाद आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो अगेन एक बॉक्स पैकेजिंग में है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। देन इसके बाद आपको बकेट मिल जाएगा और ये क्लिक साउंड के संग दोनों साइड से ओपन हो जाता है। तो अगर आप चाहें इसे वॉश करना तो आप इसे ईजिली वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं रिमूव करने के बाद ही ऊपर का लिड इसका। फिर इसके बाद टू कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिसमें एक साइड मुझे रॉड रिसीव हुई थी, जो आपकी एक्सटेंडेड रॉड होती हैं वो रिसीव हुई थी, और एक साइड मॉप रिसीव हुआ था। पैकिंग रिमूव करने के बाद ये 4 रॉड्स निकली थी, मुझे लग रहा था ये 3 है लेकिन 4 रॉड्स थी, एक हैंडल था और 3 रॉड्स थी, जो कि आप हाइट इंक्रीज कर सकते हैं और आप चाहें छोटा करने के लिए तो एक रॉड रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजीली अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं सिंपली। देन इसके बाद आपको मॉपिंग गैजेट मिल जाता है, जो क्लिक साउंड के संग आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हस्बैंड किस तरीके से थंब से प्रेस कर रहे हैं, देन क्लिक साउंड आता है, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। जो आगे का हमारा मॉपिंग हेड है, ये 360 रोटेट होता है और वेलक्रो से अटैच होता है, जिसकी वजह से ये रिमूव करना और वॉश करना ईजी होता है। इसके एक साइड 3 वेलक्रोज लगी हुई होती हैं, ये देखिए मॉपिंग एक्स्ट्रा मिला है, और एक साइड आपको ये 3 हुक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से
ये अटैच होता है, साइड में बेल्ट होती है, थ्री हुक्स बने होते हैं, लूप्स बने होते हैं स्पेशली, वो लूप्स में आपको अटैच करना है, देन वेलक्रो से अटैच कर देना है। वेलक्रो आपका रबड़ मटेरियल का है तो लाइफ लॉन्ग खराब होने वाला नहीं है ये, आप इसे जैसे चाहें वॉश कर सकते हैं, रिमूव भी नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर अटैच है। देन इसके बाद आपने क्लोज कर देना है, क्लोज करने के बाद आप अपना मॉपिंग टूल यूज कर सकते हैं एज यूजुअल। सो गाइज, हियर इज द प्रोडक्ट, ये छोटा सा प्रोडक्ट है। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, ये इमेज में थोड़ा सा बड़ा लगता है, मुझे लग रहा था एटलीस्ट ये इतना होगा जितना इसका ये बॉक्स है, जितना बड़ा इसका ये बॉक्स है एटलीस्ट इतना होगा, बट ये इतना नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत कॉम्पैक्ट है। आप देख सकते हैं मेरी पूरी ग्रिप में आ गया, और ऐसे देखेंगे तो जस्ट मेरे एक हाथ से भी छोटा है, आप देख सकते हैं कितना छोटा होगा। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके के टू कंपार्टमेंट्स हैं। प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो काफी स्टर्डी प्लास्टिक है इसकी, नहीं टूटेगी इतनी जल्दी से कि बहुत फ्लिमजी सी हो या मुड़ रही हो, ऐसी प्लास्टिक नहीं है। हैंडल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है यहाँ पे, ऐसे मुड़ने वाला नहीं है, बहुत टाइटली मैं इसे मूव कर रही हूँ। यहाँ पर आप पानी भर सकते हैं इसके इस साइड से, आप मॉक को अंदर डालिए तो ये जो टीथ लगे हुए हैं, एज यू कैन सी टीथ और कॉम्ब्स जो आप बी से कहेंगे, इससे आपका जो मॉप है वो क्लीन हो जाएगा। जैसे आपने मॉपिंग की, बाल फंस गए या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज उससे चिपक गई, गंदगी चिपक गई, धूल मिट्टी कुछ भी, तो ये इजिली उसे रिमूव कर देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये करता है, ये अपना वर्क बहुत अच्छे से करता है। मेरे रूम में मैट है तो मैंने उसके लिए मंगवाया था ये, मैट टाइल्स दोनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। नीचे वाले फ्लोर पे टाइल्स है, मैंने सबसे पहले से टाइल्स पे ट्राई किया था, ये बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं छोड़ता, नहीं तो आपने बहुत मॉप्स देखे होंगे ऐसे। इनफैक्ट टाइल्स पे जब हम पोचा लगाते हैं, हाथ से भी पोचा लगाते हैं, तो लाइनिंग्स छूट जाती हैं, यानी आपको ड्राई पैचेस दिखते हैं वहां पे, और बहुत सारे वाइपर्स और मॉप्स ऐसे होते हैं जो ड्राई पैचेस छोड़ देते हैं, बट ऑनेस्टली ये नहीं छोड़ता, बिल्कुल क्लीन एंड सूखा पोचा लगता है इससे, पानी नहीं छूटता कहीं पे भी। तो आपने ये देख लिया ये यहां से क्लीन कैसे होता है। नेक्स्ट, इसे ड्राई कैसे करते हैं, वो इसका सेकेंड कंपार्टमेंट है। यहां पर स्क्रेपर लगा हुआ है जिसकी वजह से सारा पानी निचोड़ जाता है, आपका मॉप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके संग एक छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूं कि किस तरीके से मॉपिंग होती है और पानी निकलता है इसके अंदर से। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसे लॉक करते वक्त एक क्लिक साउंड आता है जिससे आप श्योर हो जाते हैं कि आपका जो मॉप है वो लॉक्ड हो चुका है। देन वाटर से रिंस करने के बाद आप इसे ड्राई वाली साइड से ड्राई कर सकते हैं, जो आपका 95% ड्राई हो जाता है और ड्राई पैचेस नहीं छोड़ता बिफोर मॉपिंग। आप यहां देख सकते हैं, आप इसे 360 रोटेट कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत इजी हो जाता है। बकेट हैंडी है, लाइट वेट है, यहां मॉपिंग आप आगे पीछे करके कर सकते हैं, साइड बाय साइड कर सकते हैं, और इसका जो 360 रोटेट है वो स्लांट भी हो जाता है, डाउन भी हो जाता है, जिसकी वजह से आप इसको बहुत छोटी से छोटी जगह पे भी डाल सकते हैं। आप ये देखिए मेरी ड्रेसिंग टेबल कितनी हाइट कम है, वहाँ पर भी ये चला गया, इजिली क्लीन हो गया है। आप इसे रिंस कीजिए एंड 100% ये दोबारा क्लीन हो जाएगा। आप इससे जो वॉल्स पे टाइल्स होती हैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, लाइट वेटेड होने के संग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा प्लास्टिक ही नहीं है कि टूट जाएगा जल्दी से, इजी टू हैंडल है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके संग इसका जो बकेट है वो इतना छोटा है, ट्रैवलिंग इन सेंस कार ट्रैवलिंग नहीं, रूम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आपका रूम बड़ा है या आपका घर बड़ा है, आपको इसे बकेट को उठा के दूसरे रूम में ले जाना है, दूसरे फ्लोर पे ले जाना है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। इनफैक्ट इतना लाइट वेट है कि भरा हुआ भी आप अपनी लिटिल फिंगर से उठा सकते हैं, इतना लाइट वेट है। इसका पूरे का बॉक्स का वेट जो था वो 0.2 केजीज था, यानी हाफ केजी से भी कम, तो आप समझ सकते हैं इसमें वेट बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल लाइट वेट है जस्ट बिकॉज ये फाइबर बॉडी है। देख सकते हैं ये बकेट जो कि इस वक्त पानी से भरी हुई है और कुछ गंदगी भी इसमें है, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स की। वो ये है कि जब हम इसके अंदर ये मॉप डालते हैं अपना, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, यहां से और यहां से ये बड़ा है, तो इसमें होता क्या है कि बीच से तो आपका मॉप बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, बट यहाँ साइड से क्लीन नहीं हो पाता है, जो कि आपको वीकली हैंड वॉश करने के बाद ही रिमूव होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसके अगर एक टूथ और होता तो ये बहुत इजीली क्लीन हो जाता। एज यू कैन सी, मैंने आपको बताया था ये कितना हैंडी है, इवन आप इसे अपने लिटिल फिंगर से भी उठा सकते हैं वॉश होने के बाद। के साथ साथ एक बहुत अच्छा काम इसमें एक और है कि ये पानी पलटने की जरूरत नहीं है, पूरा पानी निकाल के कुछ इस तरीके से फेंकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये नॉब निकालिए एंड इसका पानी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है। सो वेल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।